पाटीदारों को आरक्षण और किसानों की ऋण माफी को लेकर पिछले 19 दिनों से अनशन पर बैठे पटेलों के नेता हार्दिक पटेल ने आज अपना अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने 6 संगठनों के प्रतिनिधियों के समन्वयक सीके पटेल के हाथों नींबू पानी पीकर अपना अनशन खत्म किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह अपने समाज के वरिष्ठों के सम्मान के आगे झुके हैं। इस दौरान हार्दिक ने बीजेपी सरकार को भी घेरा। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 25 अगस्त से अपने घर पर अनशन पर थे। इस दौरान उनकी तबीयत काफी खराब रही। हार्दिक अस्पताल भी पहुंचे, लेकिन इस सबके बावजूद हार्दिक के तेवर गरम थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो मरते दम तक अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आज पाटीदार समुदाय के प्रमुखों और कई अन्य राजनेताओं के अनुरोध के बाद हार्दिक ने अपना अनशन समाप्त कर लिया है। उन्होंने 6 संगठनों के प्रतिनिधियों के समन्वयक सीके पटेल के हाथों नींबू पानी पीकर अपना अनशन खत्म किया। इस दौरान हार्दिक ने कहा कि वह अपने समाज के वरिष्ठों को सम्मान देने के लिए उनके समक्ष झुके हैं, न कि सरकार के आगे। हार्दिक ने कहा कि समाज के वरिष्ठ जनों ने कहा है कि वे सरकार से बात करेंगे, अगर सरकार हमारी बात मानती है तो ठीक है, लेकिन अगर यह नहीं मानती तो यह माना जाएगा कि उसे हमारी जरूरत ही नहीं। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर की। हार्दिक ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि यह भी सोचना होगा कि समुदाय कब तक गुलामी की मानसिकता रखेगा। उनकी लड़ाई गरीब किसानों और मात्र 15,000 रुपए कमाने वाले शहर के ऐसे गरीब पाटीदारों के लिए है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तक नहीं दिला सकते। आपको बता दें कि हार्दिक पाटीदारों को आरक्षण और किसानों की ऋण माफी को लेकर अनशन पर बैठे थे, लेकिन इस दौरान रूपाणी सरकार ने हार्दिक पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने साफ कर दिया कि वो किसी भी पाटीदार नेता से बात करेंगे, लेकिन हार्दिक से नहीं। सरकार के के बाद भी हार्दिक अपनी जिद पर अड़े थे, मगर अब उन्होंने अपना अनशन खत्म कर नए सिरे से लड़ाई लड़ने की बात कही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।